वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानी ने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाए हैं तो कोरोना संकट के दौरान स्कूलों में बच्चों को बुलाने पर सरकार से सवाल पूछे हैं। कुलदीप पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा की आपसी खींचातानी के चलते लोगों का ध्यान महंगाई से भटका रही है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के मीटर रेट बढ़ाने के साथ सीमेंट के दामों में इजाफा हो गया है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। पठानिया ने साथ ही सरकार के जनमंच कार्यक्रमों की ओर ध्यान न देते हुए जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में सरकार विकास कार्य करवाने की बजाय जनमंच कार्यक्रमों को करवाने में लगी है, लेकिन इससे हटकर सरकार को जनता के हित में काम करने चाहिए। कि वर्तमान सरकार और वर्तमान भाजपा की जो सरकार बनी है वो अपने महाभारत युद्ध की वजह से, जो इनके बीच में आपस में जो विरोधाभास चला हुआ है उसकी वजह से लोगों के प्रदेश की जनता को उसका खमाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी हाल में ही डिपुओं की जो दालें थी या चीनी थी, सीमेंट की जो पैसे बढ़ाए, अभी जो बिजली के लिए इन्होंने मीटर के लिए 3,000 से 11,500 रुपया कर दिया। ये साफ दर्शाता है कि इनकी सरकार के अंदर जो है वो सब ठीक नहीं है और उसको ढकने के लिए लोग जो है वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिससे जनता को उसका प्रभाव पड़े और ये हो रहा है। जनमंच के ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के काम ऐसे हो रहे हैं जो छोटे मोटे काम हो रहे हैं, महंगाई फिर भी बढ़ रही है, जनमंच में नहीं होगी कमी वो, लेकिन सरकार को जनमंच में ना ध्यान देते हुए लोगों का जो कोरोना का जो महामारी का दौर है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें अभी तक फील्ड स्तर पे ना जाएं ताकि लोग जो है उससे परेशान ना हो, नहीं तो और ये चीज़ फैलेगी। जब वर्तमान स्थिति में अगर बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है, कमी नहीं आई है कि आज इसकी क्या ज़रूरत है। पहले आप अपने आप का जो एडमिन प्रशासन है उसको ठीक करें, जो लोगों को समय पर उनको इस चीज़ का हल करें, उसको ना लेते हुए और फिर प्रशासन को यहाँ से उठा के गाँव में भेज देंगे। कोरोना फैला हुआ है, क्या उसमें क्या उससे को कमी आएगी और बढ़ेगा, काम तो हो या ना हो लेकिन लोगों को बीमारी ज़्यादा फैल जाएगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि कोरोना काल में कोरोना से मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान न देकर स्कूलों को खोल रही है। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा कि सरकार बताए कि घर से लेकर स्कूल तक जाने के सफर में अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा। ये तो जब से कोरोना शुरू हुआ था उसी वक्त से ही हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे या हिंदुस्तान की जो सरकारें थी उन्होंने शुरू में ही इसको जो है वो लाइटली लिया और एक ड्रामेटिक हिसाब से लिया कि जब थोड़ा से जो कोरोना के मरीज थे तो पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो गया, जब फैल गया तो सारा हिंदुस्तान खोल दिया गया। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी यही चला है। आज हर रोज़ हिमाचल में 10-11 आदमी, 10-10 आदमी की मौत हो रही है, हर रोज़ वो कोरोना बढ़ रहा है। उस बीच बच्चों के स्कूल खोलना जो है वो कोई समझदारी का काम नहीं है, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। माँ बाप जिम्मेवारी लेंगे लेकिन माँ बाप के घर से लेकर स्कूल के बीच जो समय है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार लेगी और ये तो जानबूझ के ही मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ये लोगों को आगे मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को सेव करने के चक्कर में है। क्योंकि जो कुछ देश में घटा, प्रदेश में घटा, जिसकी वजह से आज महंगाई से लोग परेशान हैं, लोग दूसरी चीज़ खरीदारी से परेशान है, आने जाने की परेशानी रही, तो उसके पीछे ही अपना कोरोना का जो है नाम लेके अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटने का प्रयास करते हैं।